हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिमाचल की एक बहुत ही फेमस डिश है, जिसको कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में पत्रोड़े बोलते हैं, और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में उनको कैसे बनाते हैं दोस्तों, और उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, आज वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो चलो शुरू करते हैं। मसाले बना दिया, डाल दिया है, हरी मिर्ची, धनिया, साबुत धनिया, लहसुन, अदरक, लहसुन, साबुत धनिया, जीरा, ये सब मिक्स करके हम इसे डाल के अच्छे से पीसा जाता है, ठीक है। इसमें साथ में हमारी लोकल लैंग्वेज में इसका पेस्ट बनाने के लिए जो पत्ते होते हैं, जिसको कि हम लोकल लैंग्वेज में बनाने के लिए भाभरी बोलते हैं। अब आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, मैं अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। इसको अच्छे से कूट के इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया जाता है। ये हैं पत्ते, हरे पत्ते, इसका ये पेस्ट बना लिया जाता है। और पेस्ट बनाने के बाद इसके बाद हम लेंगे आटा, जितना हमने पेस्ट बनाना है उस हिसाब से आटा लेंगे, और इसमें साथ में मिक्स करेंगे अपना बेसन और साथ में अजवाइन वगैरह, और ये प्याज डाल दिया है मैंने इसमें साथ में, और इसमें ये मैं डाल रहा हूँ पिसा हुआ धनिया। इसमें हमने सबसे पहले आटा, आटे के साथ हमने बेसन यूज़ किया है, उसके बाद अजवाइन मसाले यूज कर रहे हैं, अजवाइन और ये हल्दी, उसके बाद धनिया पिसा हुआ, नमक, हल्दी, और ये और जो साथ मसाला में हमने पेस्ट बनाया था उस मसाले को ऐड कर रहे हैं के, वो साथ पेस्ट मिक्स में साथ में मिक्स कर दिया। मेरे तो मुंह में अभी सोच के पानी आ रहा है भाई लोग। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम करेंगे पानी का यूज़ मिक्स करने के लिए, घोल बनाने के लिए इसका, और अब इसको मिक्स कर लेंगे ऐसा, तो पानी डाल के पेस्ट बनाने के लिए जितना भी पानी यूज होगा, ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि ये सारा जो मसाला है, नमक, मिर्च है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, पेस्ट, इसमें नमक की थोड़ी सी कमी, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है, हमने डाल दिया है। और ये हमारा पेस्ट हो चुका है तैयार। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे पत्तों में पत्तों को उल्टा करके ऐसे इनमें पेस्ट लगाना है। इस साइड से एक्चुअल में पत्ते कल लेके आया था मैं, तो थोड़े से मुरझा से गए हैं, बट चलता है, ख़राब नहीं है ये, ठीक है। ऐसे अच्छे से पेस्ट लगा देना है इसमें। जो हमने पेस्ट बनाया है ऐसे पेस्ट लगा के, फिर ऐसे जो नेक्स्ट पत्ता है उसको ऐसे रखना है, इसमें भी अच्छे से पेस्ट लगा देना है। फ्रेंड्स, ये तीसरा पत्ता भी हमने रख दिया और इसमें पेस्ट लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो हम पत्ते रख के पेस्ट लगा रहे हैं, वो अपने हिसाब से आपने करना है, पत्ते का साइज कितना बड़ा है, क्या है, उस हिसाब से आपने यूज करने हैं पत्ते,
ये हमारे ये पत्ते थोड़े छोटे छोटे हैं, तो हम उस हिसाब से ज़्यादा पत्तों का यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने चार पत्ते यूज़ किए हैं इसमें। अब इसको फोल्ड करना है ऐसे। ने के बाद हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा, क्या बोलते हैं इसको, ये जो गोल करके रखा है क्या बोलते हैं, हैं हम देसी लैंग्वेज में फ्रेंड्स, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है हिमाचली, उसमें हम इसको बत्तू बोलते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, जो जो आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हो वो आप समझ गए कि क्या हमने क्या किया है ये। तो फ्रेंड्स, ऐसे करने के बाद इसको एक धागे से बांध देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसमें धागे का यूज़ भी कर सकते हो। मैंने ये इसको यूज़ करने के लिए, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं बांधने, एक घास की तरह होती है ये, नहीं सॉरी खजूर, खजरे का पत्ते हैं ये, उससे बांध रहे हैं। ये टूट गया है, ये सूख गया है मुझे लग रहा है। आप इसमें धागे का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको ऐसे बांध के रख देना है ऐसे। ये हो गया तैयार। तो फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुका है पेस्ट लगा के, और अब हम इसको डालेंगे कुकर में। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक हमने कुकर यूज़ कर रहे हैं हम, कुकर में हमने रिफाइंड का यूज़ किया है, फॉर्च्यून का रिफाइंड है ये। और इसके साथ ही हम डाल देंगे पानी। ठीक है, अब इसमें हम ऐसे डाल देंगे ताकि ये नीचे ना लगें और पकने के लिए आसानी हो, इसलिए पानी और रिफाइंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें ऐसे ये सारा डाल के अब इसका ढक्कन देना है, बंद करके रख देना है। और फ्रेंड्स, इसको चढ़ा दिया है गैस में। तो फ्रेंड्स, इसको कुकर में चढ़ा के एक सीटी तक इंतज़ार करना है। उसके बाद सिम गैस जो है कम कर देनी है, और कम सिम में 10 मिनट और पकाना है, उसके बाद इसको निकालना है। भाई लोगों, एक सीटी बज चुकी है और ये गैस सिम कर दी है। अब इसके बाद 10 मिनट और यूज़ करेंगे, इसको चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुकर से निकालने के बाद ये कुछ ऐसे से दिखते हैं। अब इनको कट करेंगे और फिर तड़का लगाएंगे इसमें स्वादानुसार, मिर्ची, नमक, हल्दी, ये मसाला डाला हुआ है। ठीक है,
थोड़ा सा इसको भूजने देंगे। अब डाल दें प्याज डालें, और ये प्याज डाल दिया, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और इसको तड़के में वो जो बांधे थे उनको काट देंगे और इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। दोस्तों इसको पकने के बाद जो इसका टेस्ट और जितना स्वाद ये बनते हैं, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ, कैसे इनको बयां करूँ मैं के शब्दों में, हम स्पीचलेस। ट्राई ज़रूर करना दोस्तों घर पे, ठीक है। मैंने इसमें कम से कम जो मसाले वाला जो यूज़ होते हैं, कम से कम मसाले जो यूज़ होते हैं वो वाली रेसिपी बताई है, ठीक है। इसमें कम से कम मसाले यूज़ किए हैं मैंने, जितने कम हो सके। नॉर्मल ये जो मसाले यूज़ किए हैं ये सबके घर में होते हैं। ये मसाला भुनने, प्याज ब्राउन हो रहा है, ये मैं इसमें तड़के की तरह हल्दी देगी मेरी थोड़ी सी, वैसे ज़रूरत होती नहीं है बट आप डाल सकते हो, और नमक, क्योंकि उसमें हम नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखते हैं क्योंकि तड़का लगाना होता है। ये फैन के डाल दिए हैं तड़के में, बस इसको ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये जैसे ये मिक्स किया और विद इन 5 मिनट में उतार देना है ये। तो फ्रेंड्स ये हो चुके हैं तैयार, अब हम इसको उतार देंगे, ठीक है, और प्लेट में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसको प्लेट में सर्व कर रहे हैं, और इसमें आप अपने स्वादानुसार देसी घी भी ले सकते हो खाने के लिए। दोस्तों बताता हूँ टेस्ट करके कैसे बने हैं, कर रहा हूँ क्या ही बोलूँ दोस्तों, अल्टीमेट। बहुत ही टेस्टी है, इसके साथ लस्सी मिल जाए, लस्सी एक गिलास तो बात ही क्या है। देसी घी मैं रात को खाता नहीं हूँ, अगर दिन होता तो मैं खा भी लेता इसके साथ, अल्टीमेट। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये डिश कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स जिसने भी अभी भी मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो शेयर करो। तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।